नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज बीएससी सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का पार्ट टू बी लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 2MA प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के दो तीन मेथड, ठीक है। आज जो स्टार्ट करेंगे उसके आगे ही कंटिन्यू है, हमारे दो ही मेथड बताए थे उसमें। आज हम नेक्स्ट दैट मीन्स कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय अदर्स मेथड, जिसमें हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजिन। हम जो अल्कोहल का निर्माण करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजिन, ठीक है। अल्कोहल कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रेजिन एज ए फॉलो। ग्रिग्नार्ड रेजिन क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रेजिन जिसे हम केमिस्ट्री में RMGX कहते हैं, दिस इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रेजिन, जहां R मींस CH3 ग्रुप या C2SO4 ग्रुप, दैट मींस अल्काइल ग्रुप हो गया, MgMg हो गया, और X का मतलब हैलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो ऑन बाय रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम ग्रिग्नार्ड रेजिन के थ्रू हम अल्कोहल का निर्माण तो करेंगे, लेकिन आपको मैं बता चुकी हूँ अल्कोहल तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन के हेल्प से पहले अल्कोहल का निर्माण करेंगे। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजिन विद फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल्स और विद अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल एंड विद कीटोन्स दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। इन दिस मेथड अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मेशन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रेजिन की जब रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ की जाती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर किसी एल्डिहाइड से की जाती है तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन के द्वारा किया जाती है तो हमारी किसकी प्राप्ति होती है? टर्शियरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है, ठीक। जैसे कि हम ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रेजिन, हमारा ग्रिग्नार्ड रेजिन हो गया आपका। हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होता है हमारा क्या? HCHO, दिस इज HCHO, हमारा HCHO है, दिस इज HCHO, दिस इज द ग्रिग्नार्ड, ये हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रेजिन, ग्रिग्नार्ड रेजिन हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने लिया CH3 MgBr। आपको मैं बता चुकी हूँ ग्रिग्नार्ड रेजिन का CH3 वाला पोर्शन किसी तरह काम करता है, माइनस की तरह, और Mg किसी तरह काम करता है, प्लस की तरह। सो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दिस इज बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या बना? ये हो गया H, ये हो गया C, ये हो गया H, और O के साथ जुड़ गया MgBr। O के साथ क्या जुड़ गया आपका? MgBr। O पर नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद प्लस वाला जुड़ गया MgBr, और ये बच्चा प्लस है, कैसा चार्ज है? प्लस, प्लस के साथ क्या जुड़ गया? CH3। देन उसकी हाइड्रोलाइसिस कराई, हाइड्रोलाइसिस कराई, तो सबसे पहले यू नो दैट हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ग्रिग्नार्ड रेजिन सबसे पहले क्या निकालता है? MgOHBr, सबसे पहले बाहर क्या निकालता है? MgOHBr। MgBr ये है, O के साथ क्या जुड़ गया? H। MgBr ये है और O के साथ क्या जुड़ गया? H। रिमेनिंग क्या रहा? OH। तो बच्चा क्या, ये रहा H, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा C, ये रहा CH3, और इसके साथ क्या जुड़ गया आपका? यहाँ पर क्या जुड़ गया? OH। तो ये क्या बन गया? अगर इसको देखा जाए तो ये बना हमारे पास CH3CH2OH। तो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसे हम कौन सा अल्कोहल कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक। अब हमने कहा अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजिन, तो अदर एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, लाइक दैट एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। देखिए मैंने CH3CHO लिखा, ये क्या है आपका? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एसिड लिख दिया। इसके बाद हमेशा हाइड्रोलाइसिस होती है, दिख रहा है साफ, मैंने लिख रखा है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू सबसे पहले MgOHBr बाहर निकलता है, तो MgBr और O यहाँ से ले लिया H, यहाँ से क्या ले लिया? H, ये पोर्शन आपका बाहर निकल गया। रिमेनिंग क्या बचा? और बचा तो ये H वैसे ही, C वैसे ही, ये हमारा क्या है? CH3 ग्रुप था, हमारे यहाँ CH3 है, ये ऐसे ही, ये वैसे ही, ये H ऐसे ही आइडेंटिटी कॉपी हो जाएगा, सी ऐसे कॉपी हो जाएगा, ये CH3 हो गया, और यहाँ पर आके क्या जुड़ गया? OH। तो एक कार्बन से कितनी ब्रांचें जुड़ी हैं? दो ब्रांचें, दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो हमारे पास ये कौन से अल्कोहल की प्राप्ति हो गई? हमारे पास ये अल्कोहल कौन सा हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति हो गई, ठीक। अगर आप चाहते हो कि हम टर्शियरी अल्कोहल बनाए तो हम किसको लेंगे? तब हम क्या लेंगे? कीटोन लेंगे। ये मैंने आपको बोला, व्हेन वी टेक द कीटोन वी गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। जब हम कीटोन लेंगे तो हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? टर्शियरी अल्कोहल की प्राप्ति होगी। तो कीटोन ले ले रहे हैं, कीटोन के लिए क्या लिया हमने? CH3CH3C(OH) कीटोन लिया। ग्रिग्नार्ड रेजिन के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रेजिन क्या होगा? CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रेजिन रिएक्शन, CH3 वाला पोर्शन माइनस और MgBr किसकी तरह काम करेगा? प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होते ही हमारे पास हो गया CH3 एज इट इज, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया CH3,
और ओ के साथ फिर वही बात हो गई, एम जी बी आर जी आपके जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका सी एच जुड़ जाएगा। इसके बाद इसकी क्या होगी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है एम जी ओ एच बी आर को एलिमिनेट करना। सबसे पहले एम जी ओ एच बी आर को बाहर निकाल दी, एम जी बी आर यह है ओ के साथ क्या ले लिया एम जी ओ एच बी आर बाहर निकल गया। रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग हमारे पास रहा ये सी, ये सी एच थ्री एज इट इज, ये सी एच थ्री एज इट इज, ये वाला सी एच थ्री एज इट इज और यहाँ पर आके क्या जुड़ गया ओ जुड़ गया। तो हमारे पास एक दो तीन, तीन सी एच थ्री ग्रुप है तो हमें कौन से अल्कोहल की प्राप्ति होगी, वी गेट दैट टर्शियरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हमें इंडिकेट करती है कि हमें प्राथमिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमें एल्डिहाइड और कीटोन की आवश्यकता होती है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा प्राइमरी और एसिटाल्डिहाइड के द्वारा सेकेंडरी और कीटोन के द्वारा क्या होता है टर्शियरी अल्कोहल मिलता है, जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन में देखा। दिस इज द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, हमारा अल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन मेथड था किसके थ्रू, बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रेशन के द्वारा, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, सिंपल वैल्यू में बोलूं एडिशन ऑफ वाटर दैट मींस एडिशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस अक्रॉस सी डबल बॉन्ड सी टू गिव्स अल्कोहल। सी डबल बॉन्ड सी में हम वाटर को ऐड करेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी अल्कोहल की प्राप्ति होगी। अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू एल्कीन, टू एल्कीन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बिकॉज दिस रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिक रूल टू प्रोड्यूस ऑफ द रिएक्शन ऑफन हाईली सब्सटीट्यूटेड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्या मतलब है, किसी भी एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करके हमें किसकी प्राप्ति होती है अल्कोहल की प्राप्ति होती है, और अल्कोहल की प्राप्ति होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है एसिड की जरूरत पड़ती है, और वो एसिड